जय हिंद साथियों, मैं हूं आशीष सोमानी। लॉकडाउन के इस पीरियड में हमें इम्यूनिटी के साथ साथ ह्यूमिनिटी भी बढ़ानी है। आज के दिन की पॉजिटिव शुरुआत मैं एक पॉजिटिव स्टोरी के साथ आपसे करना चाहूँगा। एक गांव था, उस गांव के पास में एक तालाब था। गांव के सारे बच्चे बड़े उस तालाब में नहाने के लिए जाया करते थे। कभी कभी वहाँ दुर्घटना होती थी और कोई डूब के मर जाया करता था। पंचायत बैठी, पंचायत ने भी फैसला लिया कि क्यों ना हम उस तालाब के आसपास फेंसिंग करा दें जिससे कि दुर्घटनाएं रोकी जा सके। पर फिर भी लोग चोरी छुपे तालाब में जाते थे और दुर्घटनाएं नहीं रुकी। फिर पंचायत बैठी, उन्होंने इस बार सोचा क्यों ना वहाँ पे हम गार्ड तैनात कर दें जिससे कि लोग तालाब में ना जाए। पर फिर भी लोग गार्ड से नज़रें चुरा के तालाब में जाते थे, दुर्घटनाएं होती रहीं। फिर पंचायत बैठी और सभी परेशान थे कि दुर्घटना रोके कैसे। तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और वो कहता है कि अगर डूबने से कोई मर रहा है, डूबने से दुर्घटना हो रही है, तो क्यों ना हम सबको तैरना सिखा दें। ये जो स्किल्स होती है, लर्निंग होती है, जो हमें सीखनी है। लॉकडाउन के इस समय में हमारे पास पर्याप्त समय है नए स्किल्स सीखने का। जो कुछ हम समय के अभाव में पहले स्किल्स छोड़ चुके थे, जैसे डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, हमारी हॉबीज़ जो थी, जो हमने समय के अभाव में पहले आधी अधूरी छोड़ दी थी, भी हमारे पास वापस काफ़ी समय है। हम फिर से वो स्किल्स सीखें, खुद में हम पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। नेगेटिव मैसेजेस हम लोगों को फॉरवर्ड ना करें। जितने भी पॉजिटिव मैसेजेस, पॉजिटिव वीडियोज़ हमारे पास आते हैं, हम वो अपने तक ना रखें और लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।